हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू डूइंग वेल गाइस। अभी तो बजे हैं शाम के छः बजने में, सिर्फ एक मिनट दो मिनट ही बाकी है। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे लोकेशन पे। एज ऑलवेज सनसेट का टाइम भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, एंड बाइक और कार्स वाले काफ़ी हैरान भी कर रहे हैं क्योंकि आते जाते रहते हैं। बट कोई बात नहीं, आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं हमारी ये जेट ब्लैक शीशे के बारे में। एज़ ऑलवेज ये कोई फिल्म तो नहीं है, सिर्फ नॉर्मल से है जो कि है सनसेड है। तो आज कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसके साथ, एंड कुछ आप लोगों को भी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। पहले जाने देते हैं सब कुछ बाइक और कार्स, बाद में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर पूरा विस्तार में आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों को करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। सो वैसे जेट ब्लैक शीशे करने में लगती तो काफ़ी तगड़ी है, एंड लुक भी आप लोगों को मालूम ही है कि काफ़ी सेक्सी आती है। बट इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक है, लाइक ये पूरा इलीगली है गाइज, मैं आप लोगों को कहूँ तो। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ही एक इंसिडेंट हुआ, दो तीन दिन पहले की बात है, जो वो ही निकला था उसकी कार लेके, एंड उसने चारों चार विंडो पर लगा रखी थी सनसेट। पुलिस वाले ने इसको पकड़ा एंड उसको कुछ चलान किया 10,000 का। उसने बोला कि ये भी पूरे फिल्म की तरह ही है तो आपको कर भरना पड़ेगा। बट कुछ तरह वो उन्हें बहस करके वो तो बच गया, एंड कुछ नहीं पे करे उसने क्योंकि पुलिस वाले को उसने समझाया। बट पुलिस वाले ने इसको थोड़ा सा समझा दिया इस चीज़ के बारे में, तो मेरे को भी कुछ नॉलेज मिली इस चीज़ के बारे में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, क्या कि आप लोग भी ना फंसे इस सब प्रॉब्लम में। तो गाइस पुलिस वाले ने क्या बोला कि आप लोग रख सकते हैं ये सब कुछ, बट पीछे वाली सीट पर ही रख सकते हैं, जो पीछे वाली विंडोज़ के ऊपर, क्योंकि ड्राइवर पूरा विजिबल होना चाहिए पुलिस वाले को और कोई किसी को भी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड ये गवर्नमेंट का रूल्स भी है कि आगे वाले पे नहीं रख सकते, आप लोग ब्लैक कार्स पीछे रख सकते हैं, वो भी सनसेट ही। मैं आप लोगों को फिल्म के बारे में नहीं बात करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की वैसे कॉमेंट आ जाएगी एंड कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। तो वैसे तो चार चार पे नहीं रखना चाहिए, बट ये सब कुछ इलीगली है गाइज। अभी मैंने आप लोग देख सकते हैं कि चारों चार पे लगा रखे हैं, क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। तो ये सब कुछ आप लोगों को आज विस्तार में समझाता हूँ गाइज कि ये सब कुछ इलीगली है। तो मैं भी अभी निकल के इसको फेंकने ही वाला हूँ, फेंकने मीन्स के पीछे रख दूंगा बूट में, क्योंकि ये सब कुछ प्रॉब्लम दे सकती है हमको। जब भी हम लोग किधर भी कार को पार्क करते हैं, लाइक पब्लिक प्लेस में, वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि प्राइवेसी के लिए, बट ड्राइविंग करते वक्त आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि पुलिस वाले ने आज तो बच गए पुलिस वाले से मेरे फ्रेंड लोग, तो मैं सोचा कि मैं न फंस जाऊँ, इसीलिए मैं भी अभी पीछे रख दूंगा इसको निकाल के, एंड कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आप लोग पीछे रख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। बट काफ़ी सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है ऐसे कुछ सन वाइप्स, लाइक आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो मर्सिडीज़ BMW वाले तो करते ही करते हैं, बट अभी ह्यूंडई वाले ने क्रेटा में, एल्केज़ार में और टाटा में, हेक्सा में, सब कुछ में कंपनी से ही ऐसे कुछ आप लोगों को सनसेट मिलते हैं, जो वरना में भी पीछे कंपनी फिटिंग ही आते हैं। तो ऐसे कुछ हम लोगों को पीछे मिलते हैं, बट कोई भी कार आगे वाले शीशे में वैसे भी प्रोवाइड नहीं करती है ऐसे कुछ सनसेट, ताकि कुछ इनविजिबल हो बाहर से। सो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी लगाते हो ये सब कुछ, तो निकाल के रख दो आपकी बूट में। जब भी आप लोगों को लगे कि कुछ आप लोग प्राइवेट प्लेस में आपकी कार पार्क कर रहे हो, वहाँ से कुछ चोरी होने के चांसेस है, वहाँ से ऐसे लगा के पार्क कर दो गाइस। और फोटो वोटो खिंचवाने के लिए ठीक है, बट पीछे ही मैं अभी से रखूँगा। वैसे भी मैं एज ऑलवेज पीछे ही रखता था, सो मैंने कुछ दिन से ही आगे रखी थी, तो इसको मैं अभी ही निकाल के पीछे रख दूँगा, ताकि मैं भी कुछ प्रॉब्लम में ना फंसूँ एंड कुछ प्रॉब्लम ना करे। सो गाइस ऐसे आ तो काफ़ी टाइप के आते हैं ये सब कुछ जो सनसेट है, लाइक कुछ नेट वाले आते हैं जो पूरे विजिबल भी रहते हैं, बट ये सब कुछ भी इनलीगल है सब कुछ। उसको पुलिस वाले ने पकड़ा, तो उसने सब कुछ पूछ ही लिया पुलिस वाले से, तो उसने बोला कि ये सब कुछ इनलीगल है, तो आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए जब भी आप लोग सिटी में ड्राइव करते हो। एंड कुछ 100-200 वाले छोटे आते हैं, वो भी नहीं लगाना चाहिए, वो भी प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो गाइस सिटी के ऊपर डिपेंड है, या मेरे को नहीं मालूम कि कितने चलान है आपकी सिटी में, कितने हो गए, शायद से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही 10,000 का चलान हो सकता है। तो आप लोग भी आपके 10,000 सेव करिए एंड इसको रख दीजिए पीछे। सो गाइस आज का वीडियो इसके ऊपर ही था। ये आते काफ़ी चीप है, लाइक 600-700, बट हमको फटका दे जाते दे भी सकते हैं कुछ 10-12,000 का। तो मैं आप लोगों को वो बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करता, एंड आप लोग भी रख दीजिए पीछे, ताकि आप लोग भी कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। अभी मैं आपके सामने ही इसको रख दूंगा पीछे, ताकि आप लोगों को वैसे भी कोई भी वीडियोज़ में अभी देखने को नहीं मिलेगी ये सब कुछ सनसेट हो रही है सब कुछ मेरी कार में, जब पीछे मैं डेफिनेटली लगा के रखूँगा। आई होप आप लोगों को पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा इस चीज़ के बारे में कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए गाइस सिटी में आप लोग ड्राइव करते हो हाईवे पर। तो आई होप आप लोगों को पूरा वैसे तो अंडरस्टैंड हो गया होगा, एंड वैसे काफ़ी लोगों को वैसे मालूम भी होगा इस चीज़ के बारे में। बट आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प भी हो जाए मेरी तरफ से, एंड आप लोग भी ऐसे कुछ बड़े चलान से बचे। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनलीगली है वैसे, क्योंकि गैरकानूनी काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे देश में, आप लोगों को मालूम ही है। ऐसे काले शीशे वाले पुलिस वाले वैसे भी नहीं करते अलाउ, एंड गवर्नमेंट का भी रूल्स है, तो आप हम लोगों को भी गवर्नमेंट का रूल्स
उसको फॉलो करना चाहिए, यानी सब कुछ रिमूव कर देते हैं अभी ही हम लोग भी। तो मैं भी ये आगे वाली तो वैसे मन तो नहीं है, बट अभी पार्किंग में ही जाके खड़ी होएगी तो इसको नहीं लगाऊंगा वैसे किधर भी जाऊंगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। ऐसे कुछ आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी कवर कर सकूँ वीडियोज़। सो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, साइनिंग ऑफ फेंडरिंग लायन।